हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह की आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई और पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में कुछ नाश्ता बनाने के लिए। तो यहाँ पर नाश्ते की तैयारी पहले से बिटिया कर रखी है, तो जिस बनाने जा रही हूँ सैंडविच, तो सब कुछ काट लिया है, खीरा, प्याज, टमाटर और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची, थोड़ा सा मीठा वाला सॉस, थोड़ा सा तीखा वाला सॉस। सब कुछ डालने के बाद फिर इसमें डालेंगे हम दही, थोड़ा सा 2 चम्मच, बड़े चम्मच से दही डालने के बाद फिर मिक्स करके अब इसमें हम डाल देंगे नमक स्वादानुसार। नमक सबसे बाद में डालेंगे, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा बिल्कुल। और ये प्लेट में जो है मूंगफली है, इसको बिटिया ने पीस लिया है। तो सब कुछ डालने के बाद इसमें मूंगफली लगा के इसको हम सेक लेंगे। तो पहले से थोड़ा सा ब्रेड सेक के रखेंगे ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे सेकने में। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ अलट पलट के सैंडविच को सेक लिया गया है। और ये सैंडविच सच में हम बता रहे हैं इतनी टेस्टी बनी थी कि क्या बताएं। जो इसमें मूंगफली पीस के डाल दिया गया है ना, इससे टेस्ट दुगना हो गया है। और पता है फ्रेंड, आलू इसमें बिल्कुल नहीं डाला गया है, पर देखिए कोई नहीं बता सकता कि इसमें आलू नहीं है। विदाउट आलू के बना है, पर बहुत टेस्टी बना था, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और इधर देखिए कलर भैया मंगाया, कॉलेज में इनको कोई काम था तो इस वजह से। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। चलिए नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे। तो उधर भैया लोग और फ्रेंड जो मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे भी आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब होते जा रहे हैं, सब मत करिए। ऐसा करेंगे आप लोग तो मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है यूट्यूब चलाने का। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया, जिसमें मैंने थोड़ा सा अदरक और लहसुन कूट के डाला है, बाकी जीरा मिर्चा का तड़का लगा के, और इसमें फिर डाल दिया है थोड़ी सी हल्दी। और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा लाल नहीं हो जाता। तो इधर आलू भुजिया जब तक हम बना रहे हैं, दूसरी तरफ चढ़ा दिए हैं दाल। और इधर हस्बैंड जी आ गए हैं, बोल रहे हैं मेरे लिए चाय बना दो, तो मैं उनके लिए फिर चाय बनाई। और इधर देखिए दाल भी हमारी फ्राई हो गई है, रोटी भी मैंने सेक लिया है, तो खाना हमारा बन गया है। और चलिए अब हम फिर से चाय पी लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी पी रहे हैं तो मुझे भी पीना पड़ेगा, वो अकेले चाय नहीं पीते अगर घर पर रहते हैं तो। तो चाय पीने के बाद फिर मैं वापस किचन में आ गई। और ये जो सब्जी काट के रखी थी ना, खीरा, प्याज, धनिया, टमाटर, इसमें मैंने दही डाल लिया है और थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और सादा नमक डाल के हम बना लेंगे रायता। तो रायता बनाने के बाद फिर मैंने इधर हस्बैंड जी के लिए खाना निकाल दिया है, और उसके बाद मैं बच्चों के लिए खाना निकाल देती हूँ। तो चलिए हम खाना खा लेते हैं और पूछते हैं हस्बैंड जी से कैसा बना है खाना। नॉर्मल है पर टेस्टी है। तो यहाँ पर बच्चे और हस्बैंड जी खाना खा लिए हैं, मैं भी खाना खा लेती हूँ, फिर मैं बर्तन धुल लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। आप सब बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, इसके आगे का ब्लॉग देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आप सबसे। तो फ्रेंड यहाँ पर हम हो गए हैं तैयार कहीं जाने के लिए। कहाँ जाएंगे आप लोग ब्लॉग में बने रहेंगे तो पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और खाना वाना हम लोग का हो गया, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम किए फिर तैयार हो गए। तो चलिए जहाँ चलते हैं, आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो हम निकले थे फाफा मऊ मार्केट के लिए, चद्दर वगैरह घर के लिए लेना था और कुछ सामान लेना था, बट वहाँ चद्दर वगैरह पसंद नहीं आया। और हस्बैंड जी बोले कि चलो कटरा से सामान दिलाते हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं। अब हस्बैंड जी जहाँ ले जाएंगे वहीं चले जाएंगे। वैसे तो मैं अकेले निकलती हूँ तो फाफा मऊ से ही सामान लेके चली जाती हूँ, पर आ गए सिविल लाइंस मार्केट में। अब देखिए क्या लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, अभी मुझे कुछ नहीं पता है। हस्बैंड जी जहाँ जहाँ ले जा रहे हैं वहीं वहीं मैं जा रही हूँ। देखिए मैं कहाँ आई हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा ये जगह कौन सी है, मैं नहीं बताऊँगी। और मुझे यहाँ कुछ लेना भी नहीं था, बस हस्बैंड जी बोले कि चलो दिखाता हूँ तुमको कुछ, तो बस मैं आ गई यहाँ पर देखने।
तो क्या कहाँ पर आई हूँ आप लोग बताइएगा, जिसको जिसको इसमें समझ में आ रहा है। बस हम लोग घूमे जा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा अभी, चद्दर वगैरह। चलो देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। तो का कुछ ले के प्राइस बहुत ज़्यादा। ये वाला देखिए, ये तो हल्का अभी तो ऊपर नीचे घूम रहे हैं लोग, आखिरी कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। चलिए अब चलते हैं दूसरे फ्लोर पर। इससे पहले आप लोग लहंगा कलेक्शन देख लीजिए, लहंगे बहुत अच्छे अच्छे थे, बट अभी मुझे लेना नहीं है क्योंकि घर में कोई प्रोग्राम है ही नहीं, तो देखने में क्या जाता है, आप लोग भी देख लीजिए। तो हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया इस मॉल में घूम के, आप लोग भी कभी आइए घूमिए, बहुत अच्छा मॉल है और तीन फ्लोर है, तीनों फ्लोर पे आप लिफ्ट से ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। तो बहुत घूम लिए, चलिए कुछ खा लेते हैं हम लोग, आराम फरमा रहे हैं, कोई है नहीं, खाली है ना, और आए हम लोग 56 हैं। खाना ऑर्डर हो गया हम लोग सबसे, खाना आ जाए खा ले चलते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, खाना खाएं हम लोग, बट शाम को छोला भटूरा खा रहे हैं, खाना खा के मुझे शाम हो गई, तो थोड़ा बहुत खा के हम चलते हैं घर। तो लीजिए हमारी आ गई फुल थाली 56 भोग में, तो देखिए क्या आइटम है, रसगुल्ला है, दही है, सलाद है, फ्राई चावल है, रोटी है, दो रंग की सब्जी है, दाल है, तो बहुत ही बेस्ट खाना था, बहुत टेस्टी था और बहुत लिमिट में था, ना बहुत ज़्यादा था ना बहुत कम था। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं, और आप सबको 56 भोग की थाली कैसे लगी ये भी बताइएगा, हम तो ज़्यादा नहीं खाएंगे, हस्बैंड जी खा रहे हैं, मैं तो छोला भटूरा खाऊंगी। इधर देखिए मेरे लिए आ गया है छोला भटूरा, क्योंकि मैं खाना खाई थी तो मेरे मन नहीं था, बट हस्बैंड जी बोले कि अब इधर आए हैं तो चलो खा के ही चलते हैं। तो ये देखिए भटूरा इतना ज़्यादा फूला है ना, खाना जितना देखने में अच्छा था उतना खाने में भी अच्छा है। तो हम लोग खाना खा लिए, कुछ बच्चों के लिए यहाँ पर पैक करवा लेते हैं, यहाँ पर पैकिंग भी होती है और ऑर्डर भी होता है, तो ऑर्डर भी कर सकते हैं, पैकिंग भी करवा सकते हैं और 56 भोग में आके कुछ भी खा सकते हैं, सब कुछ है, खाना है, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर हम खा लिए और चलिए मैंने पैक भी करवा लिया, थोड़ा सा सौंप खा लेती हूँ, तो हस्बैंड जी इधर पैसा दे रहे हैं और हम भी करते हैं बाहर। 56 भोग हम लोग यही नाश्ता किए, खाना खाए, चल रहे हैं घर, भैया वाला रिक्शा तो दिखाई के नहीं मिल रहा, तो झूला झूल लेगा
डाला थी मैं। अंधेरा होए वाला है, सूरज भगवान की वजह से चलक है। ये देखो अर्पिता समोसा, देखी कि नहीं तुम, जो मैं लाई थी तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा था ना, टेस्टी था ना। जब ठंडा हो गया तब टेस्टी लग रहा था। मैं तो खा ही नहीं, हम लोग खाना खा लिए थे। अरे तो मसाले में रह। तो लीजिए फ्रेंड, आप लोग सामने से समोसा देखिए और बताइए कैसा लगा। इस समोसे का नाम है शाही समोसा। इसमें सारे मसाले और काजू पनीर डाल के बनता है, इस वजह से इसका नाम शाही समोसा है। तो ये समोसा वाकई में बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए हम लोग समोसा एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आप सबसे न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग अगर हमारा ज़रा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू टाटा।